नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आओ देखो वाल्मीकि समय। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है, मैं हर एक वनस्पतियों की जानकारी आप लोग को देता रहता हूं, तो आज भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं एक बहुत ही शुभ और पवित्र पेड़ जिसका नाम है बेल का पेड़। और इस बेल के पेड़ को सभी भारतीयों को भली भांति पता होगा इस बेल के पेड़ के बारे में। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत सभी लोग जानते ही होंगे, इसलिए आज मैं आप लोगों को इसकी वो जानकारी बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कंप्लीट, और इस वीडियो की जानकारी आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और हो सके तो शेयर भी करना। और हमारे चैनल में अगर पहली बार आए हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना, ताकि आपसे नई नई औषधियों की जानकारी छूट ना पाए और आप हमेशा लाभ लेते रहें। तो चलिए, बिना देर किए हुए आज आप लोग को बताते हैं बेल पत्र के और बेल के जबरदस्त फायदे। तो दोस्तों, आप लोग इस बेल के पेड़ को देखते रहिए, मैं आप लोग को इसके औषधीय गुण बता रहा हूँ। इस बेल के तनों में यानी टहनियों में मोटे मोटे कांटे पाए जाते हैं, जो कि कान को छेदने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि इससे कान जब छेदा जाता है तो कान में जो इन्फेक्शन होता है, पक जाता है कान, या फिर किसी भी प्रकार का जो बाद में घाव बन जाता है, वह नहीं होता है इस बेल के कांटों से कान को छेदने पर। ये इसका कांटों का फायदा हो गया। अब मैं आप लोग को इसके बेल के जो फल होता है, कच्चा हो या पका हो, आप दोनों का समान रूप से उपयोग करके फायदे ले सकते हो। जैसे आपको कच्चा बेल मिल जाता है या फिर आपके आसपास में है, तो उसके गूदे को निकाल करके शरबत बना करके आप पीते रहिए, आपको दिल की बीमारी कभी नहीं होगी, आपका हार्ट कभी फेल नहीं होगा, हार्ट अटैक की समस्या होगी ही नहीं आपको। गर्मियों के मौसम में भी इसको शरबत के रूप में बना करके पीते हैं, क्योंकि इससे दिल में ठंडक और शीतलता बनी रहती है बेल के शरबत पीने से। अगर किसी को दस्त पेचिश हो जाए तो इसके गूदे को निकाल करके ऐसे ही खिलाना चाहिए, या फिर शरबत बना करके पिलाना चाहिए, इससे पेचिश और दस्त में आराम मिलता है बहुत जल्द। अब इसकी बेल की छाल की यानी पेड़ की जो छाल होता है, उसकी बात करते हैं, औषधि गुण के बारे में बताते हैं आपको। तो इसका जो बेल के पेड़ का छाल होता है, वह भी बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह रक्त शोधक होता है, खून को साफ करने की अद्भुत शक्ति होती है इसकी छाल में। इसकी छाल को अगर रात में डुबो करके सुबह उसका पानी पीते हो, तो निश्चित रूप से यह आपके हाथों की सफाई करेगा, पेट के रोग को दूर करेगा और आपके खून को साफ करेगा। अगर इसी तरह से आप इस बेल के छाल को काढ़ा बना करके पीते हो, शरबत बना के या फिर उसको काढ़ा बना करके, तो उससे भी आपको रक्त दोष से मुक्ति मिल जाएगी और आपके पेट की समस्या खत्म हो जाएगी। अब इसके पत्तों के फायदे मैं आप लोग को बता देता हूँ। दोस्तों, बेल के पत्तों के फायदे, आप बेल के पत्तों को सुखा करके भी ले सकते हो, चूर्ण करके, पाउडर करके, या फिर इसको ऐसे ही कच्चा चबा करके खा करके भी ले सकते हो। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, तो हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि बेलपत्र भोलेनाथ शिव शंकर के ऊपर चढ़ाने से, शिवलिंग में चढ़ाने से, श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्पण करने से भगवान भोलेनाथ की पूजा संपन्न होती है। तो ये तो श्रद्धा भक्ति वाली बात है, लेकिन अगर आप इन्हीं पत्तों को भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाने के बाद, पूजा संपन्न करने के बाद, अगर आप प्रसाद के रूप में सेवन करोगे भगवान का, भोलेनाथ का प्रसाद समझ के, तो निश्चित रूप से आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले ना मिले, लेकिन इसके बेल पत्र का जो औषधि फायदा है, वह आपको जरूर मिल जाएगा। क्योंकि इसके पत्तों में ऐसे बहुत सारे तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के बहुत सारे रोगों को कंट्रोल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। अगर सुबह सुबह अगर आप खाली पेट बेल के तीन पत्ते ही खा लेते हो, चबा चबा करके, और ऊपर से पानी पी लेते हो, तो निश्चित रूप से यह आपके शरीर की अशुद्धियों को साफ करेगा, शरीर के खून में बढ़ी हुई गर्मी को खत्म करेगा, खून को साफ करेगा, पिंपल मुहासे जो निकलते हैं वह निकलना बंद हो जाएगा। अगर आप बेल के पत्ते को खाली पेट खाते हो, तो आपको शुगर की बीमारी कभी नहीं होगी, हार्ट की बीमारी कभी नहीं होगी, धातु प्रमेह की रोग खत्म हो जाएगा, और शीघ्र पतन स्वप्न दोष भी आपको कभी नहीं होगा। अगर आप सुबह पत्ते नहीं खाना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप पत्तों को कुचल करके उसका चटनी बना लीजिए। चटनी बनाने के बाद एक गिलास पानी में उबाल लीजिए अच्छे से, और काढ़ा बना लीजिए उसका, और काढ़ा बनाने के बाद इस काढ़े को छान करके सुबह शाम पीते रहिए, आपको निश्चित रूप से कभी हार्ट अटैक नहीं होगा, शुगर की बीमारी कभी नहीं होगा, आपकी जो कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की समस्या है वह नहीं बढ़ेगी, आपकी चर्बी हमेशा सामान्य रहेगी, या फिर ज़्यादा हो गया है तो वह घट जाएगी। यह चर्बी को भी बहुत ही अच्छे से गला करके निकाल देता है।
सुबह बेल पत्ते का काढ़ा पीने से या फिर बेल पत्तों को चबा करके खाने से स्वप्न दोष भी दूर होता है, नपुंसकता नामर्दानगी भी ठीक हो जाती है, शीघ्र पतन बंद हो जाता है, हस्त मैथुन करने की आदत भी छूट जाती है। अगर लगातार आप बेल पत्ते खाते रहोगे या फिर इसका शरबत पीते रहोगे, इसके पत्तियों का रस निकाल करके पियो, चाहे पत्तियों को काढ़ा बना करके पियो, चाहे खाली पेट सुबह ऐसे ही बेल पत्ते खाओ, मतलब किसी भी तरह से आपको बेल पत्ते कम से कम 2-3 बेल पत्ते एक दिन में सेवन करना ही करना है, तब जाके आपको इसका बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर बेल पत्तों के आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो सर दर्द अगर आपको हो रहा है, कभी भी किसी को भी सर दर्द हो रहा है, तो बेल के पत्ते को पीस करके पेस्ट बना करके उस पेस्ट को माथे पे लेप करके देखिए, आपका सर दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। 5-10 मिनट में आपको पूरी तरह से आराम मिल जाएगा, आपको यह चमत्कार की तरह ही लगेगा। इसी बेल पत्ते के रस को निकाल करके 2 चम्मच की मात्रा में अगर सफ़ेद पानी, लिकोरिया की समस्या जिन महिलाओं को रहती है उनको अगर पिलाया जाए खाली पेट सुबह शाम, तो निश्चित रूप से उनका प्रमेह सभी खत्म हो जाते हैं। और जाते जाते आप लोगों को एक और सबसे बड़ी इस बेल पत्ते की बात मैं आप लोग को बता देता हूँ। बेल के पत्तों को यदि आप रोजाना कुचल करके उसका रस निकाल करके उसमें पानी मिला करके और 1 चम्मच मिश्री का पाउडर मिला करके घोल करके उसका शरबत बना करके पीते हो, तो यह आपके अंदर जितनी भी मसाने की गर्मी होती है जो किसी स्त्री लड़की या फिर कामोत्तेजना पैदा करने वाली कामुक दृश्य चित्र होता है उनको देख करके पैदा होता है और अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं हो पाता है और मन बेकाबू हो जाता है। इस तरह की समस्या को यानी काम शक्ति को दबाने का कार्य करता है इस तरह से शरबत पीने पर, तो आपकी जितनी भी मसाने की गर्मी रहेगी उसको यह शांत कर देता है बेल पत्ते का शरबत। और जो काम शक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने आप ऊपर संयम काबू नहीं रख सकता, उनको निश्चित रूप से बेल पत्ते का रस सेवन करना चाहिए, क्योंकि बेल पत्ते के रस में ही वो शक्ति है जो आपको अपने अंदर आत्मशक्ति और संयम पैदा करने की ताकत देता है। तभी आप अपने मन में काबू कंट्रोल कर पाओगे और किसी भी अश्लील और कामुक चीजों को देख कर भी संयमित रह पाओगे। आपके अंदर काम शक्ति कूट कूट के भरी रहे, लेकिन आपको उसे कंट्रोल करने का भी क्षमता आपके पास रहेगा, क्योंकि आपके दिल, दिमाग, गुर्दा, लीवर, किडनी हर चीज सामान्य रूप से काम करेगा, कंट्रोल में रहेगा, कहीं बात पीत कप का प्रकोप ज्यादा या कम नहीं होगा, बैलेंस में कंट्रोल में रहेगा, सामान्य रहेगा। तो यह हमारे संपूर्ण शरीर के लिए बेलपत्र एक अमृत रूपी प्रसाद के तरह है। आप इसे भोलेनाथ का प्रसाद समझ के खाइए या फिर किसी भी अचूक औषधि की तरह खाइए, आपको निश्चित रूप से कार्य करेगा, आपको बहुत ही ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है, क्योंकि इसका सेवन करने से आपका चर्बी भी आपको कभी बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा, आपका पेट भी ठीक रहेगा, कब्ज आपको कभी नहीं होगा, आपकी खून में खराबी कभी नहीं आएगी, स्वप्न दोष शीघ्र पतन नहीं होगा, धातु रोग नहीं होगा, कामुक दृश्य को देखकर भी आपका मन कंट्रोल में रहेगा, आपको सर दर्द कभी नहीं होगा, आधा सीसी का दर्द कभी नहीं होगा। मतलब मैं बात करूं तो बेल पत्र सिर्फ 2-3 बेल पत्र खाने से आपके शरीर में इतने फायदे होने वाले हैं कि आप सोच कर भी नहीं सोच सकते। इसलिए सोचिए मत, बेल पत्तों का सेवन सुबह प्रातः काल खाली पेट जैसा भी चाहें वैसा खा सकते हैं। अगर मधुमेह के रोगी हैं, पहले से डायबिटीज है आपको, तो आपको मिश्री मिला करके नहीं लेना है, बस इसी बात को ध्यान में रखना है। बाकी आप अच्छे से प्रयोग करें, खाएं पिएं और दैनिक जीवन में बेल पत्ते का रस या बेल पत्ते को शामिल जरूर करें। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से बेल पत्ते की जो जानकारी है और इसके जो फायदे हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी और अच्छी नई औषधि वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।